नमस्कार, एनबी न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान। स्वागत है आप सभी का एनबी न्यूज के स्पेशल बुलेटिन में। एक तरफ जहां उत्तराखंड में बारिश ने शनिवार को प्रदेश भर में कहर बरपाया, तो वहीं सूबे के मुखिया पुष्कर सिंह धामी ने लोगों की हिम्मत टूटने नहीं दी है। सीएम ने खुद आपदा प्रभावित इलाकों का निरीक्षण किया है। सीएम ने अपना हेलीकॉप्टर आपदा प्रभावितों की सेवा में लगा दिया है और खुद जेसीबी पर सवार होकर आपदा प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करते नजर आए। राज्य में बीते दिन 50 से अधिक मकान मलबे की चपेट में आ गए हैं। दो पुल टूट गए हैं और 250 से अधिक सड़कें मलबा आने से बंद हो गई हैं। इस दौरान 4 लोगों की मौत हो गई है जबकि 20 लोग घायल हैं। इसके अलावा 13 लोग अभी भी लापता हैं। सूचना पर एक्शन में आई एसडीआरएफ ने 500 से अधिक लोगों को बचाया है। मुख्यमंत्री ने कमिश्नर गढ़वाल और जिलाधिकारी टिहरी को निर्देश दिए कि आपदा प्रभावित क्षेत्र के लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जाए, उनके लिए भोजन और अन्य आवश्यक सामग्री की पर्याप्त व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जरूरत पड़ी तो सेना से भी मदद ली जाएगी। उधर बागेश्वर जिले के दारसों गांव से दिल दहला देने वाला वीडियो सामने आया। दारसों मार्ग पर उस समय वहां से गुजर रहे लोगों की चीख निकल गई जब अचानक से दारसों गांव में एक पूरी पहाड़ी टूटकर सड़क पर आ गिरी। इस बीच सरकार अपने स्तर पर लोगों को राहत देने के तमाम प्रयास कर रही है। सीएम एक्टिव होकर लगातार हालातों पर नजर बनाए हुए हैं। रात्रि को भारी बारिश के कारण से, काफ़ी वृष्टि के कारण से बहुत सारा नुकसान हुआ है। घरों को नुकसान हुआ है, लोगों को नुकसान हुआ है, बिजली की लाइनें उखड़ गई हैं, तमाम संचार के जो संचार उपकरण हैं सब बंद हो गए हैं। इसके साथ साथ सड़कें बह गई हैं, पुल बह गए और यहीं लोगों को भी काफ़ी नुकसान हुआ है, घायल हुए हैं, कुछ हताहत हुए हैं, उनको देखने के लिए जा रहे हैं। जो हमारे राज्य सरकार का और जो हमारे पास हेलीकॉप्टर है उससे एयर वेंचिंग नहीं हो पाती है और यहाँ पर बहुत सारे स्थान हैं जहाँ पर लैंड नहीं हो सकता है, इसलिए हमने सेना की हेल्प के लिए भी जो है उनको भी रिक्वेस्ट डाल दी है। अभी आज हमारे राज्य सरकार के हेलीकॉप्टर से 3 लोगों को रेस्क्यू किया गया और वो पूरी तरह से 2-3 जगह पर उनके फ्रैक्चर हैं, थोड़ा घायल अवस्था में है, अस्पताल में भर्ती कराया गया, उनका स्वास्थ्य लाभ हो रहा है। बरसाती नदियाँ हैं, नाले हैं, वो पूरे उफान पर हैं, काफ़ी अतिवृष्टि हुई है। अतिवृष्टि के कारण से काफ़ी नुकसान भी हुआ है, जहाँ पर काफ़ी घरों में मलबा घुस गया है, पानी घुस गया है, कुछ घर मतलब टूट भी गए हैं और साथ में कई सारे पुलों को और संपर्क मार्गों को बहुत नुकसान हुआ है। उसमें कटाव भी हो गया है और संपर्क मार्ग भी टूट गए हैं, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि जल्दी से जल्दी जो है हमारा पूरा प्रशासन लग कर जो संपर्क मार्ग हैं, जो पुल हैं, उनके वैकल्पिक मार्ग बनाए जाएँ और आवागमन जो है सामान्य किया जाए और जो बचाव और राहत के कार्य हैं वो तेज़ी से किए जाएँ। उसके लिए हम सभी से संपर्क कर रहे हैं, हेलीकॉप्टर इत्यादि की व्यवस्था भी यहाँ पर कर रहे हैं, साथ में सेना के लोगों से भी हम मदद मांग रहे हैं कि रेस्क्यू के लिए जहाँ भी सेना की ज़रूरत है वो हम सेना भी हमारी मदद करे। तो सेना के लोगों ने भी कहा है कि अभी दिन तक जो है वो इस पर काम करेंगे, व्यवस्था करेंगे। उधर अभी कर रहे हैं इसको वैकल्पिक मार्ग खोलने की तैयारी कर रहे हैं जल्दी से जल्दी। रानी टोकरी वाला चल रहा है, हाँ रानी टोकरी वाला, हाँ हाँ कौन सा वाला गांव आगे वाला कौन सा खतरा हो रहा करें? केशवपुरी होगा आगे का। केशवपुरी वाला बात कर रहे हो क्या? केशवपुरी की आज कर रहे हैं, अभी देखते हैं यहाँ का डायवर्जन वगैरह लगा रहे हैं। अभी पोकलैंड वगैरह आएगी ना, थोड़ा सा ये अभी इस व्यवस्था में लगे हैं यहाँ पर। ठीक है, कच्चा रास्ते को बने तो ठीक है, मैं संपर्क में हूँ लगातार, यहाँ कमिश्नर साहब भी मेरे साथ ही है ना। इधर काऊ भाई अपने इधर संभाले मोर्चा, उधर आप संभाले रहो, ठीक है। हाँ, सभी लोगों के लिए करते हैं जो कि यहाँ से होता है। अभी हेलीकॉप्टर की भी मांग कर रहे हैं, कहीं रेस्क्यू करना होगा। ठीक है, आज कल रात भारी वर्षा से मेरी विधानसभा क्षेत्र के सरखेत में भीषण आपदा आई, जिसमें 10 मकान बह गए, 8 मकान दब गए, 5 लोग का पता नहीं लग रहा है, 200 से अधिक गाड़ियां बह गई, 60 से अधिक पशु मर गए और 5 लोग घायल हुए थे, जिनमें 3 लोग जो ज़्यादा घायल थे उनको मैं लिफ्ट करके यहां पर लेकर आया हूं, जिसमें
सुनीता के 3 फ्रैक्चर हैं, सुनंदी के 2 फ्रैक्चर हैं और दिनेश के गुम चोट है, उसकी अभी अल्ट्रासाउंड हो रहा है। इस संकट की घड़ी में हमारी सरकार इन आपदा पीड़ितों के साथ खड़ी है। माननीय मुख्यमंत्री जी फिर मिनट टू मिनट इसकी खबर ले रहे हैं, लगातार उसकी मॉनिटरिंग कर रहे हैं और इनके इलाज का जो भी खर्च होगा सरकार उठाएगी। साथ ही इन 20 परिवारों को जब तक इनकी कोई व्यवस्था नहीं हो जाती, इनको हमने एक डिग्री कॉलेज में शिफ्ट किया है, इनके रहने खाने की व्यवस्था हमने की है, मेरे हमारे अधिकारी वहाँ पर हैं और जो हर संभव मदद होगी मेरे व्यक्तिगत रूप से भी सरकार की ओर से भी इन परिवारों को की जाएगी। प्रत्येक वर्ष सुनाई दे रहा है इस जगह बादल फट गया, उस जगह फट गया, तो सरकार को ध्यान देना चाहिए कि जितने रिहायशी इलाके नदियों के पास हैं या जो ऐसी जगह है जहाँ संभावना है, वहाँ नदी और नालों को जो है पक्की नहर का रूप देना चाहिए ताकि जो अचानक आने वाला बढ़कर पानी है वो डाइवर्ट हो और लोगों को नुकसान ना हो, रिहायशी इलाकों में नुकसान ना हो। और बहुत दुख का घड़ी है और हमको इसमें पक्ष विपक्ष नहीं देखना है, सभी लोग मिलकर कोशिश करेंगे कि लोगों को राहत पहुंचाए जा सके, लोगों को मदद की जाए। मानसून है वो करीब करीब विग्रस रहा है और जहाँ तक हैवी या वेरी हैवी रेन है वो कुछ जगहों तक में जो है वो मिली हैं प्रदेश में, और एक्सट्रीमली हैवी रेन बात करें तो देहरादून डिस्ट्रिक्ट में वो रही है कतुका जगहों में, तो इस तरह की एक्टिविटी रही है। और आगे अगर आज की बात करें तो आज भी आप देखेंगे जो हल्की से मध्यम बारिश है पहाड़ों में खासकर देखें तो वो ज़्यादातर जगहों में मिल जाएगी, और जहाँ तक प्लेन्स की बात है तो वहाँ कुछ जगहों में आप कह सकते हैं हल्की मध्यम बारिश मिलेगी उत्तराखंड में। इसके साथ अगर भारी या बहुत भारी बारिश की बात करें तो वो भी कहीं कहीं पर मिलेंगी, जिसमें कि विशेषकर अगर डिस्ट्रिक्ट की बात करें तो इसमें देहरादून, टेहरी और जो अंदर के डिस्ट्रिक्ट है जिसमें कि उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर है, तो इनमें हैवी से वेरी हैवी रेन्स आज भी संभावना है। लगभग 5 बजे के आसपास खतरे के निशान से 10 मिनट ऊपर बह रही है नदी हमारी, लेकिन अभी जो कंडीशन है इसकी वो डेंजर लेवल से नीचे आ चुकी है। 293 इसका गेज चल रहा है और वर्तमान में जो डिस्चार्ज है वो लगभग 2 लाख चल रहा है इसका नीचे की तरफ। तो अब ये घटने की तरफ आ गया है तो हमें उम्मीद है जल्दी जो है इसका ये जो है नॉर्मल लेवल में आ जाएगी। अब जिस तरह ट्रेंड चल रहा है फिलहाल जो है इसमें सिल्ट की मात्रा अधिक है, सिल्ट की मात्रा कह रहे हैं, सिल्ट की मात्रा अधिक होने की वजह से और 2 लाख डिस्चार्ज की वजह से नहर बंद करी हुई है। जैसे ही नहर का नदी का लेवल, नदी का डिस्चार्ज 2 लाख से कम जाएगा, सिल्ट कंटेक्ट परमिसेबल लेवल में आ जाएगा, हम तुरंत जो है नहर चलाते हैं। अभी जो अलर्ट जारी हुआ है वो 19-20 तारीख के लिए हुआ था येलो अलर्ट, तो आई थिंक मौसम विभाग के हिसाब से देखा जाए तो आज की और समस्या रहेगी, बाकी कल से जो है ग्रीन है। उत्तराखंड में लगातार बारिश से हाल पूरे तरीके से बेहाल हो गए हैं और कई जगह बादल फटने की वजह से जो स्थिति है वो बद से बदतर हो चली है, और इसी को लेकर आपदा प्रबंधन मंत्री और सीएम खुद हालातों का जायजा ले रहे हैं और तमाम जगह पर स्थिति पर नजर बनाए हुए हैं। इसी पर चर्चा की शुरुआत कर लेते हैं, तमाम गेस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। सीमा डोरा जी प्रदेश प्रवक्ता बीजेपी से हमारे साथ मौजूद हैं, भास्कर चुग जननेता कांग्रेस से, और इसी के साथ विकास कुमार संवाददाता हरिद्वार से हमारे साथ मौजूद हैं। आप सभी का बहुत स्वागत है एनबी न्यूज पर। विकास, पहले आपके पास आना चाहूंगी, हरिद्वार में इस समय किस तरीके के हालात, क्योंकि गंगा जी बहती है वहां से, लगातार जो बारिश हो रही है, बादल फटने की जो स्थिति है इस समय बनी हुई है, उससे गंगा नदी भी उफान पर है और खतरे के निशान से ऊपर बह रही है। जी बिल्कुल, हम बता दें कि जैसे कि बीते कल बरसात हो रही थी तो वही गंगा का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा था, चेतावनी को भी गंगा के जलस्तर ने पार कर दिया था, वही प्रशासन इस पर नजर बनाए हुए थे। वहीं देखा जाए तो बाढ़ चौकियों को भी प्रशासन ने अलर्ट मोड पर रखा गया था। आज हम बात करें गंगा के जलस्तर की तो 292.80 अभी गंगा का जलस्तर है, अभी सामान्य की स्थिति है। जी ठीक है, सीमा डोरा जी, किस तरीके से प्रदेश सरकार स्थिति पर नजर बनाए हुए है और तमाम जो चीजें हैं वो कंट्रोल में है या नहीं? जी, जैसे ही पता लगा कि इस तरह की आपदा आई है तो सबसे पहले मैं आपके चैनल से लोगों को कहती हूँ कि आप बिल्कुल निश्चिंत रहिए, हर तरह की सुविधाएं आपको मुहैया कराई जा रही हैं और कराई जाएंगी। पूरी तरीके से हमारी सरकार इस चीज को देख रही है कि किस तरीके से आप लोगों तक हर सुरक्षा को पहुंचाया जाए, और जितने भी घायल लोग थे या जिनको जरूरत थी उनको हॉस्पिटलाइज किया गया, उनका ट्रीटमेंट हुआ गया, वो करा गया, करीब 500 से ज्यादा लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया, और जॉली ग्रैंड हो गया, कोरोनेशन हो गया, कितने हॉस्पिटल्स में, मैक्स हॉस्पिटल्स में लोगों को एडमिट करा गया,
और खुद जेबीसी में बैठ के मुख्यमंत्री जी ने तुरंत मतलब जिस कपड़ों में वो थे, नाइट सूट में पहन के, उन्होंने एक मिनट की भी जो लापरवाही नहीं बरती और तुरंत काम शुरू कर दिया। डीएम्स को, कमिश्नर को, सभी को ऑर्डर्स हैं बिल्कुल कि कुछ किसी से पूछने की जरूरत नहीं है। आपको जहां महसूस होता है कि जिस चीज की जरूरत हो, हेलीकॉप्टर्स, सेना सब अलर्ट है कि जहां जरूरत पड़ेगी वहां पर लोगों को तुरंत सुविधा मुहैया कराई जाएगी। तो किसी भी तरह की लापरवाही और कोताही बर्दाश्त नहीं होगी, ये मुख्यमंत्री जी ने बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड लफ्जों में कह दिया। ठीक है भास्कर चुग जी, फिलहाल हालांकि ये कुदरत की मार है, जिस तरीके से कुदरत ने अपना कोहराम मचाया है, लेकिन उससे पहले प्रदेश सरकार की ओर से जो तमाम व्यवस्थाएं की गई थी उसको लेकर कांग्रेस का क्या कहना है? ये जब आपदा कोई आती है तो ये राजनीति का समय मेरे हिसाब से नहीं होता। हमें सबसे ज्यादा यही देखना चाहिए कि प्रदेश की आपदा पीड़ित जनता को किस तरीके से हम मिलकर, पक्ष विपक्ष कुछ भी हो, इस देश में जितने भी लोग हैं, प्रदेश के जितने भी लोग हैं, उनको किस तरह हम सुरक्षित रख पाएं, किस तरह उनकी सहायता कर पाएं, ये सबसे बड़ा प्रश्न होता है। फिर भी हम इतना कहना चाहते हैं कि जितने भी ये नदी नाले खाले हैं, इनके आसपास जो बस्तियां हैं वो उनको सुरक्षित रखने के लिए मानसून से पहले कुछ इस तरह के प्रबंध कर दिए जाने चाहिए, ताकि जन सुरक्षा दीवार का काम होता है, ये नहरें पक्की की जा सकती हैं, खाले पक्के किए जा सकते हैं। यदि इस आपदा से सबक लेते हुए इससे कुछ सीख कर, पहले भी आपदाएं आई हैं, हर साल बादल फटते हैं, तो नदी नालों के, खालों के आसपास की जो बस्तियां हैं उनको सुरक्षित रखने के लिए उनको पक्का कराया जाना बहुत जरूरी है। उनको पक्का कराने की सरकार को रणनीति तैयार करनी चाहिए, ये मेरा सुझाव है। इसके साथ साथ हम यदि देखते हैं तो देहरादून में जो आसपास का एरिया है वहां पर भू माफिया पूरी तरह से जमीन के गलत तरीके से कटान, पठारों के कटान, पहाड़ों के कटान में लगकर अपनी जमीन बनाता है प्लाट प्लाटिंग करने के लिहाज से, और इसमें प्रकृति का इतना ज्यादा दोहन हो जाता है। हजारों के हिसाब से पिछले 2-3 साल में हमारे जिला देहरादून में हरे भरे आम, लीची आदि के वृक्ष कट चुके हैं, और इसके कारण से बहुत ज्यादा गर्मी होती है, और बहुत ज्यादा जब गर्मी होती है तो उसका नतीजा बादल फटने जैसा होता है। उनकी पैसे की भूख शांत नहीं होती, जिसकी कीमत लोगों को जान देकर चुकानी पड़ती है। तो हमारा सरकार से निवेदन है कि एक नीति कोई ऐसी बना लें ताकि कम से कम ये पेड़ कटने से बच जाएं, नदियों में गलत तरीके से खनन ना हो, तो इन आपदाओं से हम बहुत ज्यादा इनको जो रिजल्ट है उसको मिनिमाइज कर सकते हैं। तो प्रकृति पर ध्यान देने की बहुत जरूरत है, पेड़ों को कटने से बचाने की बहुत जरूरत है, और सरकार को युद्ध स्तर पर इस पर काम करना चाहिए। ठीक है, ये काफी अच्छे सुझाव है सीमा डोरा जी जो भास्कर चुग जी ने दिए, क्योंकि प्राकृतिक आपदा है तो उसको हम प्रकृति से ही रोक सकते हैं। अगर हम प्रकृति को बढ़ावा देंगे तो शायद ये आपदा कुछ कम हो जाए, क्योंकि उत्तराखंड आए साल इसी तरीके की आपदा से घिरता है। इन्होंने ये कहा कि ये समय राजनीति करने का, बिल्कुल सही, आप अपनी विचार दे सकते हैं, सुझाव दे सकते हैं, और ऐसे में सारे हाथों को जोड़, यानी कि ज्वाइन हैंड्स टुगेदर एंड वर्क टुगेदर, क्योंकि इस समय ये होता है कि आपदा का समय, जहां लगे जिसकी मदद आप लोग कर सकते हो, चाहे वो पक्ष विपक्ष नहीं देखे, इंसानियत देखे सबसे पहले। सबसे पहला धर्म हमारा इंसानियत का होता है, मानवता का होता है, तो उस मानवता के तहत आप जिसको जो भी मिले, जिस किसी भी पार्टी का हो, उसकी सुरक्षा करिए। हाँ, आपने जो भी सुझाव की मैं उसका स्वागत करती हूँ, और जरूर कुछ, लेकिन पेड़ों की बात आप करें तो हम लोग इस पे शुरू से ही काम कर रहे हैं। हमने अभी जो हरेला पर्व आया था उसमें भी अपने जो हमारे आए थे बाहर से उनको भी बोला था कि भाई आप लोग यात्री जो आए थे कि आप लोग पेड़ लगाते जाइए, और हम अपने स्तर पर भी करते हैं कि अगर हमारा मोटो है कि अगर आप एक पेड़ काटें तो दो पेड़ जरूर लगाएं, तब एक पेड़ काटने की बात करिए, और सड़कों के किनारे भी पेड़ लगाइए। कांवड़ियों को भी हमने कहा था कि पेड़ लगाइए, अगर इतने सारे कांवड़ी करोड़ की तादाद में आए, 3 करोड़ कांवड़ियां आए, तो कम से कम अगर उतने ने लगा पाए तो 1 करोड़ तो लगी जाते। तो इस तरीके से सबको साथ मिलके काम करना है, क्योंकि यस उत्तराखंड ऐसा है, देखिए उत्तराखंड हमेशा इस चीज के लिए जाना जाता है कि वहां पर प्राकृतिक आपदाएं बहुत आती हैं, और आती रहेंगी, आती है, लेकिन हम कितना उनको रोक सकते हैं वो हमें जरूर काम करते रहना चाहिए।
क्योंकि यहाँ पर पेड़ कटने से ऑफकोर्स फर्क तो पड़ रहा है, गधे के घर भी आने लगी, इस तरीके की तबाहियां होती रहती है, तो उसपे काम सरकार जो काम करेगी वो तो ऑब्वियस सी बात है कि जब हो जाता है तो हमको सारे काम करने ताकि लोगों को सारी सुरक्षाएं दी जा सके, लेकिन उस चीज को रोकने के लिए मैनेजमेंट डिजास्टर बहुत ही सक्रिय रहना चाहिए और उसमें हम सबको मिलकर काम करना चाहिए, पेड़ सरकार की तरफ से लगाने भी चाहिए और लोगों को भी इस पे काम करना चाहिए, अपने प्राइवेट काम के लिए भी पेड़ों को मत काटें। तो ये सारे सुझाव आपके भी हैं और हम इसको स्वागत करते हैं, इन सभी सुझाव का जो भी देश हित के लिए और जनहित के लिए होंगे। बिल्कुल भास्कर जी, अब सरकार तो ये सुझाव मान रही है और हरेला पर्व के तहत हमने देखा भी पूरे तरीके से पेड़ पौधे लगाए गए, विपक्ष इसको लेकर कितना सजग मैं जानना चाहूंगी आपसे है, क्योंकि आपने खुद पेड़ों का ये मुद्दा उठाया और काफी अच्छी बात है कि अगर हम प्रकृति को बचाएंगे तो शायद इस तरीके की आपदा ना आए, कांग्रेस किस तरीके से प्रकृति को बचाने के लिए आतुर है? मुस्कान जी, फिर मैं कहना चाहूंगा पेड़ लगाने का तो मैंने सवाल ही नहीं उठाया, पेड़ नए लगाएंगे उसमें कितने सुरक्षित रहेंगे, कितनों को जानवर खा जाएंगे, क्या होगा क्या नहीं होगा, ये सब बांध की बातें हैं। मैंने अभी जो सबसे मुख्य प्रश्न चलिए आवाज शायद संपर्क उनसे टूट गया है, एक बार फिर से भास्कर चुगजी को जोड़ने की कोशिश करेंगे और उनके बाद पूरे सुनेंगे, तब तक विकास मैं आपके पास आना चाहूंगी। हरिद्वार में लगातार स्थितियां जो है वो खराब होती जा रही है, हालांकि गंगा अभी सामान्य स्थिति में है, लेकिन बाकी जो तमाम चीजें इस समय देखने को मिल रही है कई जगह पर जो बादल फटने की वजह से स्थिति हुई, हरिद्वार में किस तरीके की स्थिति है फिलहाल? जी बिल्कुल, हम बात करें अभी लालटांग की, में एक जगह दो लोग फंस गए थे और क्या बोलते उनको रेस्क्यू करके सुरक्षित स्थानों पर लेकर गए थे। अभी हम बात करें बाढ़ चौकियों की, तो वहां पर भी कई जगह ऐसा अतिक्रमण लोगों ने किया हुआ है, वहीं पर जैसे ही बरसात का पानी गंगा नदी उफान पर आती है तो प्रशासन उनको अलर्ट कर देता है और उनको सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाता है। फिलहाल जो टीमें हैं और जो नदी किनारे बसे लोग हैं क्या उनको हटाने की कोशिश में है? जी बिल्कुल, अभी प्रशासन ने उनको अभी नदी किनारों से और गंगा नदी के सभी जो आसपास रहते हैं क्षेत्र में उनको सभी को वहां से सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। ठीक है, चलिए सीमा डोरा जी मैं आपके पास एक बार फिर से आना चाहूंगी। भास्कर चुग जी का सवाल है, वो कह रहे हैं कि पेड़ लगाए जाएंगे नहीं या फिर संरक्षण किया जाए वो तो अलग बात है, लेकिन दूसरा इशारा उनका भू माफियाओं की तरफ था जो खनन पहाड़ों में चल रहा है। भू माफियाओं पर भी हमने नकेल कसने की तैयारी कर ली और काफी हद तक कसने भी शुरू कर दिया है, हमें अच्छे से पता है कि भू माफिया ने भी वाकई उत्तराखंड में बहुत ज्यादा हड़कंप मचाया हुआ है। लेकिन मैं जो अभी आपदा की बात हम कर रहे हैं, पेड़ों की बात कर रहे हैं पर सबसे पहले सुरक्षा की बात कर रहे हैं, तो मैं आपके ही कैमरा मैन और जो आपके जो बात कर रहे थे विकास जी अभी, तो उनकी पूरी बात मैं सुन रही थी, उन्होंने कहीं पर भी ये बात नहीं कही कि सरकार की तरफ से कोई कमी रह गई, वो हमेशा यही कहते गए कि लोगों को तुरंत सुरक्षा सुविधाएं दी जा रही है। और रही भू माफिया की बात, तो उस पर रियली सरकार बहुत सीरियस है और इस पर हम सीरियसली बहुत ज्यादा काम करने वाले हैं। ठीक है, भास्कर जी हमारे साथ एक बार फिर से जुड़ चुके हैं, भास्कर जी आपका संपर्क टूट गया था, एक बार फिर से अपनी बात पूरी करें। जी मैं ये कह रहा था, बहुत ही सम्मान के साथ अपनी बहन बड़ी बहन सीमा डोगरा जी से भी निवेदन करना चाहता हूँ कि हरेला में हमने बहुत सारे पेड़ लगाए, साल भर भी हम लोग पेड़ लगाते हैं और उसके भी कांग्रेस और भाजपा का सवाल नहीं आता, सब लोग पेड़ लगाते हैं, उनमें से कितने पेड़ हमारे सुरक्षित रह पाते हैं, कितनों को जानवर खा जाते हैं, ये तो चीजें अलग हो जाती है। जब वो पेड़ बड़े होंगे उसके बाद वो प्रकृति भी किस तरह काम रहेंगे आज से 10-20 साल के बाद, ये चीजें तो ये होती है। मेरा कहने का जो मेन मोटो है वो ये है कि हम प्रकृति से छेड़छाड़ बहुत ज्यादा कर रहे हैं, सैकड़ों के हिसाब से, आप मेरे शब्दों पर ध्यान दीजिएगा, सैकड़ों के हिसाब से आम और लीची के बाग से बाग काट दिए गए हैं पिछले 3-4 साल के अंदर, 5 साल कह लीजिए, 5 साल के अंदर सैकड़ों के हिसाब से बाग काट दिए गए, और सैकड़ों के हिसाब से जब बाग कटेंगे तो हजारों के हिसाब से पेड़ कटेंगे और कटे हैं। और इस बात की जानकारी जो सरकार है, जो सरकार की प्रवक्ता बैठी हैं, वो उद्यान विभाग से भी ले सकती हैं कि उद्यान विभाग ने कितनी जगह पर 400 पेड़ों के कटान का, 800 पेड़ों के कटान का, 60 पेड़ों के कटान का, 200 पेड़ों के कटान का मुकदमा पुलिस थाने में दर्ज करवाया। पुलिस थाने में मुकदमा दर्ज होने के बाद कोर्ट से जुर्माना भर के पेड़ काटने वाले छूट जाया करते हैं और जहां वो पेड़ थे वहां पे प्लाट
फ्लडिंग हो जाया करती है और उस फ्लडिंग में लोग रहने लग जाते हैं। इन पेड़ों के कटने से सबसे बड़ा नुकसान हमारे उत्तराखंड को हो रहा है। हम यदि सरकार इसमें चाहे, सरकार थोड़ी सी इच्छा शक्ति दिखाए, तो सरकार के पास प्राधिकरण है, मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण है, और मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण को निर्देशित सरकार कर सकती है कि आप उद्यान विभाग से रिपोर्ट लें कि किस किस जगह पर अवैध तरीके से पेड़ काटे गए। वो यदि जुर्माना भर के कोर्ट से छूट भी रहे हैं तब भी एनडीडीए उन स्थानों पर प्लाटिंग को सख्ती से प्रतिबंधित कर दे कि इस जमीन पे, जिस जमीन से पेड़ कटे हैं, यहाँ पेड़ ही लगाए जाएंगे, यहाँ कोई प्लाटिंग नहीं होगी, कोई मकान नहीं बनेगा। ये बहुत जरूरी है, लेकिन इस तरफ ध्यान वास्तव में नहीं दिया जा रहा है। और इस लड़ाई को तो लड़ते लड़ते मुझे बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, लेकिन लास्ट में हम भी परेशान हो जाते हैं कि इस लड़ाई में हम काम, जब पेड़ होते हैं तो पेड़ों की जड़ों से हमारी धरती मजबूत रहती है। हमने बहुत सारी नहरें अंडरग्राउंड कर दी, नहरें अंडरग्राउंड होने की वजह से पानी सारा सड़कों पर होता है, गाँव की नालियों में होता है, और वही पानी फिर बादल फटता है, कुछ भी होता है, नहरें उसको ऑब्जर्व कर लेती थी, पेड़ की जड़ें उसको सोख लेती थी, भूमि के कटाव को पेड़ की जड़ें रोक दिया करती थी, लेकिन पेड़ कट गए, नहरें अंडरग्राउंड हो गई, तो ये सारा का सारा आपदा जनता को झेलनी पड़ रही है। हाँ, कुछ लोगों की पैसे की भूख शांत हो जाती है, लेकिन जनता को मौत झेलनी पड़ती है, गायों का बहना झेलना पड़ता है, अपने पशुओं का बहना झेलना पड़ता है, अपने मकानों को बहता हुआ देखना। बाद में सरकार अच्छे प्रबंध करती रहे, बहुत अच्छी बात है, हम सरकार का इसमें जो कदम उठाए उसका स्वागत करते हैं, लेकिन भविष्य में आपदाएं ना आए तो एक सख्त कानून की जरूरत है कि पेड़ काटने पर सख्ती से रोक लगाई जाए और कहीं भी कोई नहर को अब अंडरग्राउंड ना किया जाए। ठीक है, सीमा डोरा जी, सख्त कानून की मांग कर रहे हैं आपसे भास्कर जी, उनका साफ कहना है कि अभी जो चीजें हो रही है उसके लिए आपका प्रबंधन सराहनीय है, वो आपकी सराहना कर रहे हैं, लेकिन आगे ये स्थितियां ना बने उसके लिए एक कानून की मांग कर रहे हैं वो। जी भास्कर जी, स्वागत है आपकी इस बात का, और इस बात को मैं सिरे से स्वीकार करती हूँ कि बिल्कुल सही है, पेड़ काटने पे पहले भी चिपको आंदोलन जैसे आंदोलन चले हमारे यहाँ पेड़ों के लिए ही, और होने भी चाहिए, आज भी शायद उन आंदोलनों की जरूरत है। तो मैं एनजीओस को भी कहूंगी और विपक्ष को भी कहूंगी और आम आदमी को भी कहूंगी कि इस चीज पे वाकई स्ट्रिक्ट कदम उठाएं, उठाएगी सरकार, लेकिन उठा भी रही है, लेकिन आप लोग भी आगे आइए, जहां पर भी पेड़ कटते देखे तुरंत कंप्लेन डाल दीजिए, उन पे अगेंस्ट खड़े हो जाइए। तो इस तरीके से जब पहले आंदोलन चले उसमें हर जगह सरकार नहीं थी, लेकिन सरकार साथ जरूर देती है, तो हमें भी सूचना जहां जहां मिलती है हम उस पर कार्रवाई करते हैं और करते रहेंगे। लेकिन सीमा डोरा जी, वो कह रहे हैं कि एक कानून ऐसा होना चाहिए जिसमें अगर कोई पेड़ काटे तो वो 100 बार सोचे एक पेड़ काटने के बारे में, ऐसा कोई कानून लेकर आए सरकार। जी जी बिल्कुल, स्ट्रिक्ट कानून इस पे बनना चाहिए, मैं इस बात को जरूर आगे तक पहुंचाऊंगी कि इस पे ऐसा स्ट्रिक्ट कदम हो जाना चाहिए, जैसे कि बहुत भारी जुर्माना या कुछ ऐसी सजा जो जेल जैसी सजा हो, तब जाके लोगों को ये बात समझ में आएगी कि पेड़ काटना इतना आसान नहीं होना चाहिए। ठीक है विकास, एक बार फिर से आपके पास मैं आना चाहूंगी, आप दोनों के पास लौटूंगी मैं, सीमा जी और भास्कर जी। विकास, फिलहाल प्रकृति के जिस तरीके से बात चल रही है, हरिद्वार में आप मौजूद हैं, वहां प्रकृति का किस तरीके से देखने को मिल रहा है, क्योंकि लगातार जब पेड़ कटते हैं तो भास्कर जी ने ये बात उठाई और बहुत अहम बात है कि प्रकृति का जब दोहन होता है, प्रकृति का संरक्षण नहीं होता तभी ऐसी प्राकृतिक आपदाएं आती है। इससे पहले हमने देखा केदारनाथ में कैसी आपदा आई और पूरे उत्तराखंड में, अभी फिलहाल क्या पेड़ों का संरक्षण किया जा रहा है हरिद्वार में? देखिए, जैसे पेड़ों का संरक्षण की बात करें तो यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पर बिल्कुल स्थिति सामान्य है, सब कुछ ठीक है। अभी बात करें हम कि आपदा की, तो हर साल ये आपदा तो आती है, पर लेकिन प्रशासन अपनी पूरी मुस्तैदी से काम करता है इसमें, लोगों को सुरक्षित स्थानों पर लेकर जाता है। अभी हम बात करें कल ही की, तो कल जिस तरह से गंगा का जलस्तर जिस तरह से बढ़ना स्टार्ट हुआ, तो प्रशासन अपने अलर्ट मोड में आ गया है, जहाँ पर लोग रहते थे तो उन लोगों को भी सुरक्षित स्थानों पर तुरंत एकदम से लेकर पहुंचा दिया गया था। जी ठीक है विकास, भास्कर जी आपके आपकी बात का स्वागत किया है सीमा डोरा जी ने, और वो कह रही हैं कि विपक्ष को भी इसमें आगे आना चाहिए, अगर कहीं कंप्लेंट मिलती है तो विपक्ष को भी साथ में होना चाहिए। सीमा बहन का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ, और मैं सीमा बहन से निवेदन भी करना चाहता हूँ कि आप और आपके जैसे जागरूक लोग, भले ही आप किसी भी पार्टी में हैं, लेकिन यदि आप पेड़ कटने से बचाने में हमारा सहयोग कर पाए तो इससे अच्छी कोई बात नहीं होगी। पेड़ कटने से बचाने की जंग हमारी संस्था को लड़ने में बहुत ज्यादा टाइम हो गया है, और हमने बहुत सारे पेड़ बचाए भी हैं, लेकिन फिर भी
होता क्या है, अभी हमारे आसपास में जहां मैं विकास नगर में रहता हूँ अभी 500 पेड़ काट दिए गए, 500 पेड़ वहां काट दिए गए। हमने उद्यान विभाग को कंप्लेंट की, कंप्लेंट करने के बाद उद्यान विभाग ने उन लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया, मुकदमा कोर्ट में है। और इसके लिए दिक्कत हमारी ये है कि एक कानून हमारे पास है उत्तर प्रदेश वृक्ष संरक्षण अधिनियम, और इसमें प्रत्येक पेड़ का जुर्माना 5,000 रुपए है। जिस आदमी ने एक जमीन से 500 पेड़ काट के उस जमीन से कई करोड़ रुपए की प्लॉटिंग करनी है, वहां पर वो 5,000 रुपए प्रति पेड़ जुर्माना भरने के लिए हमेशा तैयार रहता है। मेरा फिर वही निवेदन है, मेरी बात को थोड़ा समझ ले अगर हमारी बहन, कि एनडीडीए देहरादून में जो है मसूरी धर्म विकास प्राधिकरण, विकास प्राधिकरण उद्यान विभाग से और वन विभाग से रिपोर्ट ले ले कि कहां कहां पर पेड़ काटे गए हैं, कहां आपने मुकदमा दर्ज किया है, कहां कहां आपने जुर्माना लिया है पेड़ काटने का, और उन स्थानों पर जो प्लांटिंग की जाती है उस प्लांटिंग को सख्ती से प्रतिबंधित कर दे, एनडीडीए उसकी निगरानी करवा दे। यदि एनडीडीए इस कदम को उठा लेगा, जो कि सरकार के निर्देश के बिना संभव नहीं है, तो उस जगह पर प्लांटिंग नहीं हो पाएगी, तो लोग पेड़ काटना अपने आप छोड़ देंगे पहली चीज। दूसरी चीज, पेड़ काटने से बहुत बड़ा नुकसान जो प्रकृति को हो रहा है वो मानव को तो हो ही रहा है, उन पेड़ों पर चिड़ियों के और बहुत सारे पक्षियों के घोंसले हुआ करते हैं, वो पेड़ काटने से उनकी प्रजातियों पर खतरा आ जाता है, वो कहाँ जाए, उनके बच्चे बेचारे जो छोटे छोटे बच्चे पेड़ काटने गिर के मर जाते हैं, उनके अंडे फूट जाते हैं, तो इसका बुरा हाल है। अगर पेड़ काटने से बचा तो सबसे पहले 5,000 रुपए प्रति पेड़ का जुर्माना हटाकर इसको 1,00,000 रुपए प्रति पेड़ करना होगा। 500 पेड़ काटने से पहले आदमी सोचेगा कि हमें 1,00,000 × 500 करके जुर्माना भरना पड़ेगा यदि हमने पेड़ काट दिए तो सबसे पहले तो। और ये पेड़ का सवाल आया ही इस डिबेट में इसलिए कि प्रकृति जो बादल फटते जैसी आपदाएं आती है ये पेड़ ना होने की वजह से आ रही है। बहुत ज्यादा गर्मी से आसमान में बादल बनता है और वो एक जगह फटता है, बादल फटने के बाद भी पेड़ों की जड़ें उसको कंट्रोल कर सकती है, लेकिन वहाँ पेड़ ही नहीं है तो कंट्रोल कहां से होगा। जमीन है, जमीन में से मिट्टी निकल के जाती है और लोगों के घरों में मलबा घुसता है, और जो भूमाफिया जगह जगह पूरे पूरे पहाड़ तक कटान कर लेता है, इस भूमाफिया पर रोक लगाने की एनडीडीए सबसे बड़ी संस्था है। तो एनडीडीए को ईमानदार बनाकर और ये कानून बनाकर कि पेड़ काटने पर 1,00,000 रुपए जुर्माना लिया जाएगा और एनडीडीए उस जगह प्लांटिंग ना होने से जहां पेड़ कटे इस चीज को हम रोक सकते हैं, भविष्य में आपदाएं हमारी मिनिमाइज हो सकती है। ठीक है भास्कर जी, श्रीमा डोरा जी, फिलहाल आपदा प्रबंधन को लेकर बात हम कर रहे हैं, इसी के साथ भू माफियाओं की भी बात की है, खनन जो है वहां पर, क्योंकि जो पेड़ है उत्तराखंड जो माफ कीजिएगा जो पहाड़ है उत्तराखंड के वो कुछ इस तरीके के हैं कि ज्यादा उसमें कैपेबिलिटी नहीं है किसी चीज को बर्दाश्त करने की, जमीन क्योंकि वहां की ऐसी है, भौगोलिक परिस्थिति की बात अगर करें तो अगर कोई भी आपदा आती है तो ज्यादा भूस्खलन की स्थितियां वहां पर बनती है। अभी हमने देखा तमाम रास्ते बाधित हो गए हैं, वहां के लिए किस तरीके की तैयारियां आपकी और साथ ही साथ सब भूमाफियाओं को और खनन को रोकने के लिए किस तरीके से सरकार काम कर रही है? सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। अभी भी देखिए 250 सड़कें करीब बंद हो गई, रास्ते बंद हो गए, तो कहा गया कि वैकल्पिक रास्ते हो, किसी भी तरीके का जो हम सुविधाएं प्रदान कर सकते हैं वो कराएं। और साथ ही मैंने आपको बताया कि सरकार पूरी तरीके से सचेत है, धीरे धीरे ही काम होते हैं। जब इस तरीके की चीजें सामने आ रही है कि पेड़ वाकई भारी तादाद में कटने लग गए तो जुर्माने को वाकई बढ़ा देना चाहिए। मैं इनकी ठीक है सीमा डोरा जी, मैं फौरन लौटूंगी आपके पास एक बार फिर। ब्रेक के बाद एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो बात एक बार फिर से मुद्दे की कर लेते हैं, जहां पर उत्तराखंड में पूरे तरीके से स्थितियां जो है वो इस समय बादल फटने की वजह से गंभीर बनी हुई है, जिसको लेकर सरकार पूरे तरीके से अलर्ट मोड पर है और पूरा काम कर रही है। अब हमारे साथ सागर असोगी संवाददाता ऋषिकेश से मौजूद है। सागर, फिलहाल ऋषिकेश का क्या कुछ हाल है, क्योंकि ऊपरी इलाका है और यहाँ पर भी बारिश का खतरा लगातार बना हुआ है और 25 तारीख तक के लिए जो भारी बारिश का अनुमान येलो अलर्ट है उत्तराखंड में, उसको लेकर क्या कुछ जानकारी? जी हाँ, आपको बताना चाहेंगे पूरी तरीके से प्रशासन जो है अलर्ट हो चुका है यहाँ पर ना, और कल की बारिश के बाद जो है यहाँ पर लोग सहमे हुए हैं। गंगा का जल स्तर जो है वो चेतावनी रेखा पे कुछ ही क्षण दूर पे बह रहा है, तो ऐसे में जो यहाँ की जनता है, पर्यटक जो है, उन्हें कहीं ना कहीं उनपे डर देखने को मिल रहा है। अभी फिलहाल मौसम किस तरीके का बना हुआ है और संभावनाएं किस तरीके से बारिश की? जी अभी फिलहाल जो है आज सुबह से फिलहाल लगातार जो है मौसम खुला हुआ है और बादल मंडरा रहे हैं पूरे तरीके से,
लेकिन कहीं ना कहीं जो ये गंगा का जो जलस्तर जो बढ़ा हुआ है उसको देखकर तरह तरह की बात हो रही है, प्रशासन पूरी तरीके से मुस्तैद है। ठीक है असली मडोरा जी, आपके पास मैं आना चाहूंगी। फिलहाल जिस तरीके से अभी हमने सागर ने बताया कि ऋषिकेश में भी इस तरीके के हालात है, कल भी बारिश हुई और अभी मौसम ऐसा बना हुआ है बारिश कभी भी हो सकती है। 25 तारीख तक का अलर्ट है, येलो अलर्ट मौसम विभाग ने जारी किया है। अभी सरकार आगे किस तरीके से तैयारियों में जुटी हुई है, क्योंकि अभी बहुत सी ऐसी जगह है जहाँ पर लोगों का रेस्क्यू किया जा रहा है, इसी के साथ साथ दूसरी ओर किस तरीके से ध्यान है सरकार का? जी, सरकार ने अच्छा टिहरी हो या हरिद्वार हो, सब जगह के कमिश्नर्स और डीएम्स को ऑर्डर दे दिया कि आप लोगों को जहां जरूरत फील हो कि जहां हमको सुविधाएं मुहैया करानी है या उनको रेस्क्यू करना है तो आप तुरंत करिए, किसी भी ऑर्डर के लेने की जरूरत नहीं है ऊपर से। और सेना भी अलर्ट है, सेना को भी जहां जरूरत पड़ेगी हेलीकॉप्टर्स की जहां जरूरत पड़ेगी, सब जगह से हम तैयारी बैठे हुए हैं तैयारी करके। और साथ ही लोगों को ये इस बात से हम निश्चिंत करते हैं कि आप लोग कतई परेशान मत होइए, बस अपना जरूर ध्यान रखिए और कतई ऐसी जगह पे ना जाएं जहां पर आपको खतरे की बात लगती है, क्योंकि हाई अलर्ट है। तो आप लोग नदियों से नालों से थोड़ा सा बच के रहें, और जहां तक सरकार का मामला है तो सरकार आपको हर सुविधा मुहैया करा देगी, चाहे वो स्वास्थ्य की हो, चाहे वो भोजन की व्यवस्था, सब कुछ होता रहेगा। और अगर जहां जहां लगे तो आपको आप कमिश्नर्स पे, आप डीएम्स पे, आप पुलिस पे, कहीं पर भी आप लोग जाके बोल सकते हो या फोन करके बता सकते हो कि हम लोग इस जगह खतरे में फंसे हुए हैं। लेकिन सीमा डोरा जी, अब देखिए हम लोगों से आह्वान कर सकते हैं, उन्हें बता सकते हैं कि आप चिंता मत करिए, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में खौफ है। उत्तराखंड में हमने देखा आए बार जब प्राकृतिक आपदा आई, और भास्कर जी ने भी ये बात उठाई कि एक जो स्थाई इसका कह सकते हैं कि सॉल्यूशन है, स्थाई हल जो है वो निकालने की जरूरत है इस समय प्रदेश में, क्योंकि अभी आपका जो आपदा प्रबंधन विभाग है तमाम चीज़ें बहुत बेहतर चल रही हैं, तमाम चीज़ें हमने देखा, और लेकिन एक जो कह सकते हैं कि परफेक्ट सॉल्यूशन जो है कि दोबारा इस तरीके की चीजें ना हो, उसके लिए सरकार किस तरीके से काम कर रही है? देखिए सॉल्यूशन तो पेड़ लगाने का या पेड़ों को बचाने का सॉल्यूशन वो तो खैर होना ही चाहिए और हो भी रहा है, आगे और स्ट्रिक्टली इस पे कदम उठा ले जाएंगे। लेकिन जैसे भौगोलिक परिस्थिति है ना उत्तराखंड की, इसमें ये चीजें होती रहती हैं और होंगी। इसमें सिर्फ हम लोग ये कर सकते हैं कि अलर्ट रह सकते हैं, जब भी ऐसे हो तो मौसम आए तो थोड़ा सा पीछे हट जाओ, आगे यात्राओं पे बच जाइए, नदी नालों की तरफ मत जाइए। कुछ लोग आप देखिए जो ऐसी नदी है, बरसाती नदियां हैं, वहां पर लोग एंक्रोचमेंट कर लेते हैं, घर बना लेते हैं, फिर उनको हटाएं तो सरकार लोगों गरीबों को हटा रही है। ये सब क्वेश्चंस बार बार आते रहते हैं, फिर सरकार के ऊपर बातें आती हैं। लेकिन वो जो रिवर्स हैं, जो मानसून की नदियां हैं, वो बनी ही इसलिए है और उन पे घर नहीं बनने चाहिए। उनको जितना मर्जी लोगों को हटाने की कोशिश करो, लेकिन कुछ समय बाद वो फिर अपने टेम्परेरी घर बना लेते हैं और फिर वो घर बहते हैं। जब घर बहते हैं, लोग बहते हैं, तो फिर सरकार के ऊपर क्वेश्चन आते हैं। तो मैं यही कहूंगी कि देखिए सतर्कता बहुत जरूरी है। एक आम आदमी के पास भी इस बात की नॉलेज होती है और होनी भी चाहिए कि मानसून में अगर आप घर बना भी रहे हो तो मानसून में हट जाइए वहां से, क्योंकि आपको पता है कि वहां पर तो बारिश का पानी आएगा ही। जब नदियां उफान पे आ जाती हैं तो वो तो खैर बिल्कुल रोड से सटे हुए होते हैं। तो इन सब चीजों पे हमें जागरूकता बहुत ज्यादा चाहिए। और भारत में मैं एक बात जरूर कहूंगी, हमारे यहाँ भारतवासी जितने भी हैं, हम आम नागरिक जो है, हम लोग हर चीज सरकार पे थोपते हैं। हम लोग ये क्यों नहीं कहते कि हमारी भी कोई जिम्मेदारी है, ट्रैफिक हो या कुछ भी हो, जब रूल्स रेगुलेशंस बन जाते हैं तो हम फॉलो क्यों नहीं करते? तो थोड़ी सी जागरूकता भी चाहिए। बाकी सरकार जहां जहां सरकार को लगेगा कि हाँ आप कुछ इस तरीके के कदम उठाने चाहिए तो जरूर। ठीक है, भास्कर चुग्गी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। भास्कर जी, फिलहाल भौगोलिक परिस्थितियों की हम बात कर रहे हैं, उत्तराखंड की भौगोलिक परिस्थिति इस तरीके की है, जो पहाड़ हैं वो संकरे हैं और ज्यादा इन चीजों को, ज्यादा बारिश को नहीं झेल पाते हैं। इन चीजों से निपटने के लिए स्थायी सॉल्यूशन की अगर बात करें, एक स्थायी हल की बात करें, तो पेड़ों को बचाना, पेड़ों का संरक्षण करना, जिस तरीके से आपने मुद्दा उठाया बहुत अच्छी बात है, ये होना चाहिए। और खनन जो हो रहा है पहाड़ों में उसको रोकना चाहिए। इसी के साथ साथ और क्या ऐसा एक कह सकते हैं कि हल हो सकता है जिससे आने वाले समय में इन परिस्थितियों पर काबू पाया जा सके?
खनन को कभी भी पूरी तरह से नहीं रोका जाना चाहिए। तरीका यह है कि वैध खनन हो, नियोजित खनन हो, वो बहुत जरूरी है। अगर नियोजित खनन नहीं होगा तब भी आपदाएं आएंगी। नियोजित खनन हो, वैध खनन हो, वो खनन सरकार को राजस्व भी देगा और आपदाओं को भी रोकेगा। यदि खनन नहीं होगा तो नदियों में जब पत्थर ऊपर से आता है, रेत आती है, वो एक जगह इकट्ठा हो जाएगी तो वो भी फिर बाढ़ का और पानी साइडों में निकलने का, नदी के रूख बदलने का कारण बन जाता है। खनन तो बहुत जरूरी है लेकिन तरीके से वो नियोजित हो। दूसरी बात, हम लोगों ने कुछ अपनी इच्छाओं को ज्यादा बढ़ा लिया और इच्छाओं को ज्यादा बढ़ाने की वजह से मैं फिर वही आ जाता हूँ कि प्रकृति का इस तरह से दोहन करते हैं कि बाद में उसकी जो विभीषिका है वो प्रदेश के, देश के आम नागरिक को झेलनी पड़ती है। हमने बड़ी आसानी से कह दिया कि हमारे पहाड़ कमजोर हैं। नहीं, हमारे पहाड़ कभी कमजोर नहीं थे। इन पहाड़ों को हमने कमजोर कर दिया। हमने अपनी सुविधाओं के लिए सड़कें चौड़ी करने की बात सोच ली, सड़कों को बड़ा मजबूत बनाने की बात सोच ली और जो लाखों साल से पहाड़ खड़े हुए हैं इन पहाड़ों को हमने डायनामाइट से, जेसीबी से और तरीकों से काट काट कर, तोड़ तोड़ कर इनको हमने कमजोर कर दिया। एक तरीका हुआ करता था, पहले सड़क बना करती थी तो सड़क बनाने के लिए पहले पहाड़ को डायनामाइट से या जेसीबी से किसी और मशीन से काटा जाता था, तो काटने के बाद उसको 6-7 महीने साल भर एक बरसात उस पर लगने देते थे, उसको छोड़ दिया करते थे। इससे होता क्या था, पहाड़ों में जो प्राकृतिक वनस्पति है वो उग जाया करती थी और जो उससे तोड़ने से, काटने से जो उसमें दिक्कतें आई हैं वो दिक्कतें इतने दिन में फिल हो जाया करती थी और वो पहाड़ फिर से हमारा मजबूत हो जाया करता था। हमने करा क्या, अब क्या कर रहे हैं, हम पहाड़ काट रहे हैं, पहाड़ तोड़ रहे हैं, साथ के साथ पहाड़ का हम ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उसमें सीमेंट लगा रहे हैं, जाल लगा रहे हैं और हाथ के आगे सड़क बना दे रहे हैं। जब ऐसा हम करेंगे तो वो प्राकृतिक तो नहीं हुई ना चीज, वो कृत्रिम चीज हो गई और इस वजह से हमारा पहाड़ कब कमजोर दिखाई देने लगा कि उत्तराखंड का पहाड़ कमजोर है, सड़कें कमजोर है। नहीं, हमें प्रकृति का दोहन बहुत ज्यादा नहीं करना चाहिए। हमें अपने दिमाग में नहीं रखना चाहिए कि हमें दिल्ली जैसी सड़कें उत्तराखंड के पहाड़ों में चौड़ी चौड़ी सड़कें चाहिए। नहीं, पहाड़ की जितनी क्षमता है उतनी चौड़ी हम सड़क बना लें जिसमें दो कार या दो बस आपस में पास हो सके, इतना काफी है। और उस पहाड़ की जो मजबूती है उसको लगातार विस्फोट कर करके और जेसीबी से काट काट के हम कमजोर ना करें तो ये आपदाएं जो आ रही हैं ये आपदाएं फिर मिनिमाइज हो सकती हैं। प्रकृति का सिर्फ उतना दोहन करना चाहिए जितनी प्रकृति हमें इजाजत देती है। ठीक है सागर, आपके पास मैं आना चाहूंगी। ऋषिकेश भी कुछ इसी तरीके का क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र है पूरे तरीके से, और कहीं ना कहीं अवैध खनन की अगर बात करें या फिर प्रकृति के दोहन की बात जिस तरीके से हम कर रहे हैं वहां ऋषिकेश के पहाड़ों में भी हमें देखने को मिलता है। जो खनन माफिया है वो लगातार जगह जगह खनन कर रहे हैं, प्रशासन इन पर लगातार जो है अपनी मजबूती बनाए हुए थे, लेकिन कहीं ना कहीं इसे जो नदी नाले हैं ऐसे में जब बरसात होती है तो उन्हें जनता को उसका खामियाजा भुगतना पड़ता है। जनता तो खामियाजा भुगत ही रही है, लेकिन अगर ऋषिकेश की बात करें प्रशासन कितना अलर्ट है, जमीनी स्तर पर आप क्या देख रहे हैं? जी, प्रशासन पूरी तरीके से अलर्ट है और अगर देखिए बात करें तो प्रशासन जो है वो कर्तव्य पूरी तरीके से कर रहा है, लेकिन जो भू माफिया लोग हैं और ये जो खनन माफिया लोग हैं इनके लगातार हौसले बुलंद होते जा रहे हैं। ठीक है, चलिए, प्रशासन अलर्ट है, ऋषिकेश हरिद्वार दोनों जगह की हमने संवाददाताओं से बात की, वो कह रहे हैं कि प्रशासन पूरे तरीके से अलर्ट पर है, लेकिन सीमा डोरा जी, प्रशासन अलर्ट है उसके बाद भी भूमाफिया जो है वो लगातार सक्रिय है, इनको रोकने के लिए क्या तैयारियां हैं आपके आगे? जी, भूमाफिया पे हमने नटेल कसने की पूरी तैयारी कर ली है। अब पहले ही जब इलेक्शन के बाद हमने ये बात की थी तो हमने इस बात का कमिटमेंट किया था कि भूमाफिया को हम जो है वो टाइट ही लेंगे और स्ट्रिक्टली उनके ऊपर एक्शन लिए जाएंगे जहां जहां हमको दिखेगा कि भूमाफिया का है। लेकिन फिर से ये बात कहूंगी कि वाकई जो है उत्तराखंड की भौगोलिक जो संरचना है वो इस तरीके की है कि यहाँ पे ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए कायदे से, लेकिन अगर आप जाके देखें तो उत्तराखंड पहाड़ों में भी इतना कंस्ट्रक्शन है, प्राइवेट कंस्ट्रक्शन भी इतना है। और जब आप सुविधाओं की बात करते हो तो मुझे अच्छे से याद है जब चार धाम यात्रा शुरू हुई थी तो विपक्ष ने कितना बोला था कि यहाँ पे सड़क करेंगे, यहाँ पे देखना चाहिए। तो जब जब हम सड़कें लोगों के लिए ज्यादा से ज्यादा सुविधा मुहैया कराने की बात करते हैं, सड़कों की बातें करते हैं, कंस्ट्रक्शन की बातें करते हैं,
तो जहां जहां कंस्ट्रक्शन अगर पहाड़ों में इस तरीके के एरिया में होगा तो डेफिनेटली थोड़ा सा प्रकृति के साथ खिलवाड़ होता है, क्योंकि इतने इंटीरियर में जाके ये बात बोली गई। आप डिजास्टर मैनेजमेंट में देखिएगा कि उसमें लिखा हुआ कि ज्यादा कंस्ट्रक्शन नहीं होना चाहिए उत्तराखंड हैवी, और तभी हम लोग बार बार एक ही बात को कहते हैं कि उत्तराखंड जैसे इलाके में सरकारी नौकरियां आप कहाँ से लेकर आओ, क्योंकि यहाँ पे ज्यादा विकास हम कर ही नहीं सकते। आप सिर्फ इस तरीके का कर सकते हो कि जहां पर कंस्ट्रक्शन ज्यादा कंपनी फैक्ट्रियां ना लगे, यहाँ पे फैक्ट्रियां नहीं लगा सकते हम लोग। तो ये सब चीजें देख के हमें जागरूकता, बाकी जन जन में जागरूकता भरनी होगी कि किस तरीके के साथ नेचर के साथ रह के हम जीवन को व्यतीत कर सके। और ये लालच जो भू माफिया का लालच, जो आम आदमी का लालच, भू माफिया को भी शरण हम ही लोग देते, हम भी सपोर्ट करते हैं, तभी उनकी इतनी हिम्मत बढ़ती है। अगर आम आदमी जाग जाए तो भू माफिया भी कुछ नहीं कर सकती, पेड़ भी कोई नहीं काट सकता। तो ये पूरी की पूरी जागरूकता की बात है, और हाँ कठोर नियम बनाने की भी बात है, जो हमारी सरकार पूरी तरीके से तैयार है कि अब इस पे काम करना है। ठीक है, नियमों की बात तो आपने स्वीकार की, बहुत अच्छी बात है सीमा डोरा जी, आपने तहे दिल से ये बातें स्वीकार की और इस पर कानून बनना भी चाहिए। भास्कर जी, लेकिन आपसे मेरा ये सवाल है कि अब सीमा डोरा जी ने देखिए ये सवाल खड़ा कर दिया है कि एक और आप कह रहे हैं कि ज्यादा वहां पर हमें पहाड़ तोड़कर सड़कें नहीं बनानी चाहिए, दूसरी ओर आप कहते हैं कि जो सड़कें हैं वो उत्तराखंड में सरकार नहीं बना रही है। मैंने ये कहा कि यदि हम ये सोचते हैं कि उत्तराखंड में दिल्ली जैसी चौड़ी चौड़ी सड़कें बनाएं तो उत्तराखंड की प्रकृति के लिए, उत्तराखंड के लिए बहुत गलत होगा। सड़कें जरूर हो, पहले भी सड़कें बनी है, किसने विरोध किया, सड़कें बननी चाहिए, लेकिन सड़कें बनाने का जो तरीका था, आज हम क्या करते हैं, 4 से 6 महीने में पहाड़ काट के सड़क बना के रेडी कर देते हैं, पहाड़ों का ट्रीटमेंट हम जाल से और सीमेंट से करते हैं, ये सही नहीं है। मेरा कहना फिर ये है, आप सड़क बनाए, आप पहाड़ काटे, लेकिन उसके बाद पहाड़ को कम से कम 6 महीने साल भर आप इस स्थिति में छोड़ दें ताकि वो अपनी पुरानी मजबूती को दोबारा से ग्रहण कर ले। जब तक वो अपनी पुरानी मजबूती दोबारा ग्रहण नहीं करे, जब तक प्राकृतिक वनस्पति उस पर नहीं उगेगी, जब तक जो पत्थर हिले हैं वो अपने पुरानी रो में नहीं आएंगे, तब तक वो पहाड़ गिरने का खतरा बना रहेगा, और आज हम देख रहे हैं पहाड़ गिर रहे हैं। दूसरी बात, आपने कहा मैडम अभी कह रही थी हमारी बड़ी बहन सीमा डोरा जी कि हम नौकरियों की बात करते हैं, हमारा कहना ये है कि आप फैक्ट्री लगाइए, लेकिन प्राकृतिक चीजों से संबंधित फैक्ट्री लगवाइए, किसने मना किया है नौकरियों, हम तो समस्या हमारी ये है कि जिस दिशा में हमें सोचना चाहिए उस दिशा में हम नहीं सोच पाते। इसी पहाड़ में यदि हम पर्यटन को बढ़ावा दें, इसी पहाड़ में यदि हम धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा दें और उनकी व्यवस्थाएं अच्छी करें, इसी पहाड़ में यदि हम जड़ी बूटियों के अनुसंधान को बढ़ावा दें, इसी पहाड़ में यदि हम जो नदियों का और पहाड़ों में खनन होता है उसको वैध तरीके से, एक सही तरीके से सरकारी नियमानुसार करवाएं, तो हमारे लिए बहुत सारी नौकरियां भी होंगी, बहुत सारी आय भी होगी। और लेकिन इसके लिए रणनीति बनाने की जरूरत है, इसके लिए सोचने की जरूरत है। हम पहाड़ को पूरा का पूरा पानी से भर देते हैं बांध से, और हम ये नहीं सोचते पहाड़ जो है अंदर जाके, जो पानी है पहाड़ के अंदर जाके पहाड़ को कमजोर करेगा और ये दूसरी साइड सड़क से गिरेगा, हम नहीं सोचते। हम पहाड़ काट के हाथ क्या सड़क बनाए थे, हम ये नहीं सोचते कि पत्थर हमने तोड़ा है काटा है, ये पत्थर हिलेगा तो कमजोर होगा, इसको जमने दो, तो दोबारा हम उस दोबारा जमने नहीं देते, बगल में सड़क बना देते हैं। पहाड़ पे तार जाल पहाड़ को रोक लेगा, किसने कह दिया, कौन सा इंजीनियर है जो कहता तार जाल पहाड़ को रोक लेगा, या सीमेंट पहाड़ को रोक लेगा, या तारकोल पहाड़ को रोक लेगा, पहाड़ को नहीं रोक पाएंगे, उसको प्राकृतिक तरीके से जमने देना चाहिए। तो ये बेड़ा सरकार को उठाना पड़ेगा, और जनता तो आपको सहयोग देने के लिए हमेशा तैयार है, इसमें पक्ष विपक्ष की बात ही नहीं है, ये उत्तराखंड को बनाने की, उत्तराखंड को बचाने की और उत्तराखंड में रोजगार पैदा करने की बात है, उत्तराखंड को आपदाओं से बचाने की बात है, प्रकृति को बचाने की बात है, और इसका फायदा पूरे विश्व को मिलता है जब हम प्रकृति को बचाते हैं, खाली हमारे प्रदेश को नहीं मिलता। ठीक है सागर, आपके पास मैं आना चाहूंगी, एक आखिरी सवाल आपसे मेरा, जिस तरीके से ऋषिकेश में और पूरे उत्तराखंड का एक जिक्र अगर करें तो अभी स्थितियां जो बनी हुई है उसको लेकर क्या कुछ पूरा अपडेट है? जी बताना चाहूंगा, लगातार पहाड़ों पर बारिश हुई है, उससे काफी नुकसान तो हुआ है, लेकिन काफी जान वान को भी खतरा बना है। और अभी बात करें आपको तो यमकेश्वर ब्लॉक में नीलकंठ मार्ग पर बारिश के चलते ही एक दीवार ढहने की वजह से एक बुजुर्ग महिला की मौत हो गई। तो पहाड़ों की वजह से जहाँ जगह जगह अगर हम जाए, पर्यटक आ रहे हैं, आप देख सकते हैं भूस्खलन का भी मामला लगातार बढ़ता जा रहा है।
ठीक है सागर, बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। ठीक है श्री मडोरा जी, आपके पास आना चाहूंगी। भास्कर जी ने जो तमाम बातें कही उनका कहना है कि आप सड़क बनाइए, लेकिन एक तरीका ये है कि आप अगर पहाड़ को काटें तो उसको कृत्रिम रूप से ना जोड़ें, उसको अपने आप भरने दीजिए और मजबूती पकड़ने दीजिए, ये कह रहे हैं वो। और इसी के साथ सरकारी नौकरियों पर जो आपने बयान दिया उस पर भी उन्होंने प्रतिक्रिया दी। बिल्कुल, जैसे कि उन्होंने कहा कि पर्यटन पे काम करा जाए तो हम कर रहे हैं। स्वरोजगार योजना हमने इसीलिए शुरू की, होम से हमने इसीलिए शुरू की। हम बार बार ये बात कह रहे हैं होम स्टे से न जाने कितने लोगों को फायदा मिला, जिनके घर इतने बड़े बड़े घर इंटीरियर्स में पहाड़ों में खाली पड़े हुए थे, हमने उसको कहा कि उसको होम स्टे बनाइए। आप पर्यटक की बात करते, उत्तराखंड में इस साल इतना पर्यटक था, इतना ज्यादा कि आप अगर देहरादून से दिल्ली जाने लगो तो वहां पर घंटों जाम में खड़े रहना पड़ता। मैं खुद देख के आई, क्योंकि मैं जब जा रही थी दिल्ली तो मुझे ही 2 घंटे यहाँ खड़े रहना पड़ा, यहाँ तक क्रॉस करते करते सहारनपुर जाते जाते, तो इतना पर्यटक था। मैं अभी परसों ऋषिकेश जाके आई, बहुत सुविधाएं थी वहां पे। वहां का जो बिजनेसमैन था, छोटा से छोटा बिजनेसमैन, एक जो सड़क पे पड़ी लगा के जो काम करते हैं, वो भी उन्होंने मुझे बताया कि मैडम हम 5 बजे आ जाते हैं, 12 बजे आ जाते हैं, इतना काम है। तो ये पर्यटन की वजह से ही है, तो उसके लिए सरकार काम कर ही रही है। इससे हमने कहा कब कहा कि काम नहीं हो रहा। ठीक है सीमा डोरा जी, समय समाप्त हो चला है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। भास्कर जी आपका भी बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम चर्चा हमारे साथ करने के लिए। फिलहाल के लिए उत्तराखंड के महासंग्राम में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम अहम खबरों के लिए आप देखते रहे एएनबी न्यूज। नमस्कार।